गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज अंक एस बघेल एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आशुत हमेशा ऐसे करता है, आप सुन रहे हैं ना पीछे आवाज। जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लॉगिंग उसको पता है कि उसे नहीं बोलना है अभी, बट फिर भी उसे शुरू हो जाता है। सो, अभी हम डिनर के लिए एकदम रेडी हैं। बेटू एक सेकेंड ना, मम्मा कुछ काम कर रही है ना। सो, अभी हम डिनर के लिए एकदम रेडी हैं। बोले जा रहा है। और मैंने ये ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है एंड इसके साथ ये बेल्ट है और ये मैंने फुटवेयर्स ये देखिए वाइट कलर के पहने हैं एंड इसके साथ पहना है मैंने स्टोन वाला नेकलेस। आई डोंट नो, क्लियर नहीं दिख रहा ये नेकलेस। और मैंने जो इयररिंग्स पहने हैं वो एकदम छोटे छोटे से पहने हैं और ये दोनों ने आज एकदम परेशान कर लिया मुझे। सो, अभी निकलते हैं हम डिनर के लिए क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे जो जो चीज़ें होती जाएंगी वो मैं आपको शेयर करती जाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग सारे ब्लॉग्स देखिए जो भी अभी ये होटल्स वाले हैं, इसके पहले जो मैंने डाले थे वो सारे ब्लॉग आप लोग इन्जॉय करिए। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। क्या हो गया, लेट हो गया, जल्दी चलो, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा फिर। अरे क्या चल रहा है अंदर, क्या आपकी वॉच पहन ली आपने, कल भूल गए थे। हाँ जी, प्लीज मुझे परफ्यूम दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे दे दो मुझे, यही वाला लगा लूंगी मैं, कोई बात नहीं। अरे कल जैसे मैंने कैमरा ऑन किया था बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे थे ऑलरेडी। मैंने कुछ ज्यादा ही कौन से फ्लोर पे, सॉरी देखो खुद बताओ, मुझे क्या पता कौन से फ्लोर पे, लागे पता नहीं इतना, मुझे याद ही नहीं है। आई थिंक सेकंड फ्लोर पे। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर के लिए और ये रेस्टोरेंट आपने देखा था लास्ट टाइम, हम सौरभ का बर्थडे हमने यहीं सेलिब्रेट किया था, निहाव रेस्टोरेंट, निहाव रेस्टोरेंट। एंड ये है हमारा, मतलब एक्चुअली मेरा फेवरेट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फोटो सेशन होता है, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडेज हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे ज़रूर फोटो सेशन करते हैं। प्लीज़ मेरा फोटो सेशन कर देंगे प्लीज़। मस्ती शुरू हो गई आपकी, है ना। हम जा रहे हैं इंडिया हुए तो आपको भी लेके चलते हैं। एक्चुअली मेरा जो हमारी जो एनिवर्सरी थी और आश्वत का बर्थडे था, हमने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। चलिए आज आपको दिखाते, क्योंकि तभी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बट आज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पूल है, हम डिनर कर लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला एरिया दिखाती हूँ। सो, हम आ गए हैं अभी इंडिया वे, चलिए चलते हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस है, आइए चलते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। आजकल ना कोशिश करता है कि सारी चीजें वो खुद से करे। ग्लास टूट जाएगी बेटू। सो गाइज, अभी आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं, ये पूरा जो थीम है वो राजस्थान थीम में है, मतलब राजस्थानी पैटर्न में पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ की हर एक चीज़ में पिंक शेड ज़रूर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में पिंक, मतलब राजस्थान में जयपुर वगैरह ये सारे पिंक सिटी के नाम से फेमस हैं, वहाँ पर ये सारी कलरफुल चीज़ें होती हैं, तो ये पूरा थीम उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो गाइज, हमारी ड्रिंक आ गई है मैंगो स्प्लैश एंड ये रही सौरभ की और ये है आशुत के लिए आया है। आशुतु, आशुतु, ओली आपकी ड्रिंक किधर है, ओली 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 ओली, टेस्टी दिख रहा है, यम्मी यम्मी यम्मी।
यहाँ पे स्टार्टर्स आ गए हैं और ये हमारी पापड़ी चाट है एंड ये है हमारा चिकन मलाई टिक्का। अभी मैं अपना फूड फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है तो कॉपीराइट आने के चांसेस हैं, तो पहले फूड फिनिश करते हैं उसके बाद आप लोग से बातें करेंगे और ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे हमने किया है लच्छा पराठा ऑर्डर एंड इसके साथ करी है दाल मखनी। चलिए इसे फटाफट से फिनिश करते हैं। बेटू हाँ क्या देख रहे हो, देख लो अच्छे से देख लो। अरे रुको यार, अरे शर्माने लगे आजकल आप, शर्माते क्यों? कम हियर। चलो चले आ जाओ है हमने और हम आ गए हैं अभी पूल एरिया में। ये देखिए यहाँ का पूल एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और नाइट में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। डाडा कहाँ है मिट्टू? डाडा कहाँ है? चलिए अभी आपको पूल दिखाते हैं। यहाँ का एक्चुअली लाइट्स तो बंद हो गई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज रहे हैं अभी, तो लाइट्स यहाँ पे कम हो गई हैं पूल की साइड पे, फिर भी चलते हैं। सो गाइस ये है यहाँ का स्काई स्पा एंड सलून, जो कि अभी मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि बंद हो चुका है, तो बाद में कभी ट्राई करेंगे। एंड आपको अभी दिखाते हैं हम पूल एरिया, तो चले चलो चलो बिट्टू आ जाओ, आशा तो कम है वो कहीं फोन भी नजर है, लाइट्स बंद हो गई ना यहाँ पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दिख रहा है, लाइट्स एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर। आशु इधर आओ, उस पे ध्यान देना थोड़ा। सो ये रहा हमारा पूल एरिया और यहाँ की लाइट्स हो गई हैं ऑफ, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है आप लोग देख लीजिए। खतरनाक व्यू आया है यहाँ पर। हेलो मैं दिख रही क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं लेट जाऊं क्योंकि ना बाथरूम में जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं आराम से यहाँ पे लेट जाती हूँ। ब्लैक पे ब्लैक कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रही क्या? हेलो दिख रही क्या? मैं ब्लैक पे ब्लैक, सिर्फ पैर मुंह दिख रहा। बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो रहा है, पता है सच में बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है मुझे, इतना अच्छा फील हो रहा है, एकदम चिल्ड हवा चल रही है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज तो आना है मम्मी के पास? आज तो नहीं। यू वांट टू कम? नो 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 व्हाई नो व्हाई ऑलवेज नो अभी डिनर हो गया है। पूल एरिया था वो मैंने देख लिया क्योंकि इसके पहले मैंने सिर्फ दूर से देखा था, यहाँ पे जाके नहीं देखा था मैंने, हम दो तीन बार आए थे बट ये मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो वो कर लिया है। और अभी चलते हैं हम रूम पे क्योंकि कल सौरभ की है मॉर्निंग शिफ्ट, तो उनको निकलना है, मतलब यहीं पे जाना ही है होटल में क्योंकि हम कल चेकआउट कर रहे हैं, आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। सो चलिए चलते फटाफट से, चले चले। नहीं अभी पेट नहीं भरा इनका, कौन सी आ रही है? हालत हो चुकी है खराब क्योंकि अब आ रही है नींद। तो चलिए चलते हैं, ये क्या है यहाँ पे? अरे एक्सपीरियंस द कलरी एक्सीलेंस कहाँ पे है? क्या ओ टीसी के में बाप रहे क्या लिख रहे हैं? ऐसा तो देखो ना, अंदर देखो उधर पीछे एक्सीलेंस कल का। ओके ना 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 ना
चलो आज लास्ट है अपना यहाँ पे। सॉरी आपको तो यही काम करना है बट मेरा लास्ट है कल से घर। हाँ बट वो लाइफ भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। आओ, 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 आप देख नहीं रहे ना, आपने डोर फटाक से बंद कर दिया ना, मेरे अभी फेस पे लगने वाला था, फोन मेरा टूटने वाला था। क्या था आपको? मॉर्निंग कितने शिफ्ट है आपकी? 7 बजे। ओके सो गाइस, डिनर वगैरह हो गया है एंड अरे मेरा कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में, गाने बंद करो प्लीज। सो डिनर वगैरह हो गया अच्छे से और हम आ गए हैं अभी रूम में वापस और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और कल है पतिदेव की शिफ्ट मॉर्निंग में, तो वो निकल जाएंगे और कल ही हमको चेक इन करना है, तो देखते सॉरी चेकआउट करना है, तो शाम तक हम चेकआउट करेंगे। और फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, मतलब वीडियो लोग देखते हैं, देख के निकल लेते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर है वो अटक गए उसी जोन में, आके आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग ढेर सारा प्यार करिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए, जिससे कि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिले। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ और कल ये ब्लॉग आई थिंक 2-3 दिन बाद आएगा जब हम यहाँ से चेकआउट कर चुके होंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे 1-2 ब्लॉग और मुझे डालना है, उसके बाद ये ब्लॉग आएगा। एंड कल मेरा कल यहाँ का लास्ट ब्लॉग रहेगा क्योंकि उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर आपको सेम वही घर के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो बस गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज अंक एस बघेल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।